अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल। और आपको अगर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कन्वेक्शंस होते हैं, उनको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो एक एक प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, नेम नहीं समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड की कुछ बात हो रही है। तो हम चलिए पहले आपको समझाते हैं ऐसे प्रैक्टिकल वे में, फिर आपको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी हमने आपको कुछ वीडियो पहले में आपको हमने समझाया था बिजनेस when business is started, we think about that the business will keep on going for an indefinite period of time, which is going concern concept, जिसमें हमने आपको ये चीज बताई थी कि business जब भी start किया जाएगा तो वो ये सोच के किया जाएगा कि it will keep on going for an indefinite period of time। ये हम सोच के अपनी accounting करते हैं। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आज और हम वेट करें 15-20 साल का कि बाद में जब बंद होगा तब हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल के पता लगाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब तक वो क्या बैठा रहेगा, वेट करेगा कि कब मेरा बिजनेस बंद हो, अगर हो भी कभी तब हम पता लगाएं कि मेरा ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ये तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा, वो चाहेगा ना कि आज मैंने सेल किए गुड्स तो कितना मेरा प्रॉफिट हुआ। तो कब वो प्रॉफिट पता लगाए, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया विच इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में बोला गया कि आपका जो बिजनेस का लाइफ है वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ कॉन्सेप्ट है, नो डाउट। उसको आप क्या करिए, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ईयरली बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए। हर ईयर के एंड पे आप प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है आप पता लगाइए, प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है आप पता लगाइए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करिए। सो दिस थिंग इज बीइंग डन बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ही है जो 12 मंथ्स के पार्ट में पूरे फाइनेंशियल ईयर को, पूरे बिजनेस के लाइफ को डिवाइड करता है 12 मंथ्स के पार्ट में। वैसे तो क्वार्टरली भी रिजल्ट निकाला जाता है, हाफ ईयरली भी निकाला जाता है। तो वैसे जो बेस्ट है विच इज योर 12 मंथ्स पीरियड। अब हम आते हैं अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में देखिए यहां पे लिखा हुआ है द लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट इकोनॉमिक टाइम पीरियड्स ऑन विच रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आर फैशन्ड। जो भी हमारा ओवरऑल पीरियड है उसको शॉर्ट टाइम पीरियड में हम डिवाइड कर देंगे जिससे हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। All the transactions are recorded in the books of accounts on the assumptions that profit on these transactions are to be ascertained for a specified period. हम जितने भी transactions record करेंगे अपने accounting में, अपनी books of account में, हम ये सोच के record करेंगे कि हमारा profit या loss जो निकालना है वो एक particular point time period के लिए निकालना है। तो ये सोच के हमें करना होगा। This is known as accounting period concept. इसी को हम accounting period concept कहते हैं। तो चलिए कुछ points भी देख लेते हैं। Time duration for which the income loss is measured is called accounting period. इसी को हम accounting period कहते हैं और इसी process को पूरा जो हम apply करते हैं accounting period concept बन जाता है। Under the Companies Act, Banking Regulation Act, financial statements are to be prepared for a 12 month period. अच्छा, आपके mind में question आ रहा है 12 month ही क्यों ले हम? 6 मंथ क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। आपको अगर 6 मंथ का बनाना है तो 6 मंथ का बनाइए। 12 इसलिए बेस्ट बोला गया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग कैलकुलेटेड इन ईयर बेसिस। जैसे हमारी एज ईयर बेसिस पे होती है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है, हम जो पढ़ाई करते हैं 1-1 ईयर बेसिस पे होता है, तो इसलिए 12 को बेस्ट माना जाता है, 1 ईयर को बेस्ट माना गया, इसलिए 12 बेस्ट ही लिया गया है इसमें। अब देखिए यहां पे अकाउंटिंग पीरियड जो अभी हमने आपको बताया, आप चाहे तो एक दिन का ही प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो बेस्ट है विच इज योर 12 मंथ्स। वैसे मंथली भी निकाले जाते हैं, क्वार्टरली भी निकाले जाते हैं, ईयरली भी निकाले जाते हैं। और हमारा जो फाइनेंशियल जो ईयर है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से दिसंबर तक चलता है, जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ईयर लिया जाता है टाइम पीरियड विच इज 1 अप्रैल, और नेक्स्ट ईयर के एंड में वो 31 मार्च को खत्म होगा। मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में जाके वो क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, एंड होता है 31 दिसंबर को। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आपको इसमें लिखना क्या है वो आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया, अभी 3 स्लाइड्स दिखाई है मैंने आपको, उस पूरे कॉन्सेप्ट को उसी स्लाइड्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाउ दिस नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं। तो मैच कराना है यहां पर, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैच कराई जाएंगी इसको अभी हम आपको समझाते हैं। तो पहले हम प्रैक्टिकल वे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर आपको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी समझाएंगे क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट का। तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बनाते हैं, नाइस कैच। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं तो हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम एक तरफ एक्सपेंस लिखते हैं और एक तरफ अपनी इनकम लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स
अमाउंट और हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, एक तरफ सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं करंट ईयर के, एक तरफ सारे इनकम लिखते हैं करंट ईयर, करंट ईयर मतलब जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। तो हमने यहां पे लिखा सपोज टू वेजेस लिख दिया, जो भी है टू सैलरीज, ट्रेडिंग अकाउंट वेजेस नहीं आएगा, सॉरी फॉर दिस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये क्यों नहीं आएगा, वो आपको बाद में टेक्निकल चीजें बताई जाएंगी। जो टू हो गया हमारा सैलरीज हो गया, टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस तरह हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस यहां पे रिकॉर्ड किए जो करंट ईयर के थे, मतलब इस साल जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको मैंने रिकॉर्ड किया। अब ये एक्सपेंसेस क्यों किए गए हैं, बिकॉज वी आर रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं जो हुए एक फाइनेंशियल ईयर में, और ये खर्चे क्यों किए, बिकॉज वी हैव टू अर्न मनी, इनकम जनरेट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है। तो जो भी इस एक्सपेंस की वजह से इनकम जनरेट हुई होगी उसको उसके सामने रख के अकाउंट में लिख देना होगा। देखिए मैच करा दिया हमने, बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इसी तरह बाय आपका कमीशन एंड सो ऑन, इस तरह सारी चीजें, फिर दोनों का जो कैलकुलेशन होगा तो इधर टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा या फिर बाय नेट लॉस आ जाएगा। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैच करवा रहे हैं हम अपने करंट ईयर की चीजों को, करंट ईयर की एक्सपेंसेस को करंट ईयर की इनकम से। तो दिस इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब हम इसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपको समझाने जा रहे हैं क्या होता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसमें क्या किया जाएगा, करंट ईयर की सारी चीजों को, करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस और इनकम को एक दूसरे के सामने रख के मैच कराना होता है। मैच मतलब मैच द फॉलोइंग नहीं कराना है हमें, तो सामने रखना होता है एक दूसरे के। सो दिस इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देखिए दिया है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल requires companies to use the accrual basis of accounting, जो accrual concept पढ़ाया था हमने, current year के सारी चीजें cash मिला हो चाहे ना मिला हो आपको record कर देना है। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे, cash मिला हो चाहे ना मिला हो, या pay किया हो चाहे ना pay किया हो, आप current year का है तो आप record कर देंगे। तो matching concept में accrual principle को लगाकर किया जाता है, इसको apply किया जाता है। The matching principles requires that expenses be matched with revenues, जितने भी expenses हैं उसको revenue मतलब income से match कराना है, सामने सामने record करना है। This is your matching principle। और किसके through record करना है, accrual accounting को use करके, जिसमें बोलता है accrual accounting में कि आप जब जो भी expense आपने किया उसका cash payment किया हो चाहे ना किया हो, या defer कर दिया हो, तो आप उसको वहां record कर देंगे current year में, whether cash is received or not। इसी तरह income पे भी, मिली हो चाहे ना मिली हो, लेकिन current year में अगर earn हो गई है तो आप record कर लेंगे, whether cash is received or not। इसी तरह एग्जांपल दिया है, सेल्स कमीशन एक्सपेंस शुड बी रिपोर्टेड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन सेल्स वर मेड। अब यहां पे बोला सेल्स कमीशन, करंट ईयर में मैंने गुड सेल किया उस पर कमीशन कमाया, तो सेल्स कब हुई थी, करंट ईयर में, उस पर कमीशन भी करंट ईयर में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, मैच करवा दिया करंट ईयर की चीजों को। सो दिस इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब जैसे नीचे दिखा हुआ है, वेजेस टू एम्प्लॉइज आर रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस इन द वीक व्हेन द एम्प्लॉइज वर्क एंड नॉट इन द वीक व्हेन दे आर पेड। अब एक महीने वर्क करता है, या एक वीक के लिए वर्क किया हमारे लेबरर ने, तो उसको हमने वेजेस दिए, वेजेस वीक एंड होने के बाद दिए जाते हैं, लेकिन वेजेस देने का टाइम पीरियड जो था वो वीक के अंदर ही था, तो हम क्या करेंगे, उसी वीक में उसको रिकॉर्ड कर देंगे, पेमेंट बाद में करेंगे, उससे कुछ मतलब नहीं। मैचिंग को सब यही बोल रहा है कि जिस समय हो रहा है उसी समय आप रिकॉर्ड कर दीजिए, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर कैश इज पेड और नॉट। दिस इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैच करा दीजिए करंट ईयर से, करंट ईयर के एक्सपेंस और रेवेन्यू को। मैचिंग प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड एंड मैच्ड विद द रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अभी हमने आपको बताया था कि सामने एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, उस एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं, वो एक्सपेंस वी हैव टू अर्न रेवेन्यू, तो करंट ईयर के जो एक्सपेंस हुए रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उसी के सामने आपको मैच करा दीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ओनली रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड ओनली एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड टू प्रोड्यूस द रेवेन्यू। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पता लगाना है। करंट ईयर की चीज करंट में ही रिकॉर्ड करेंगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी सही मिलेगा हमें। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी डू दिस थिंग। सिंपल रूल देख लीजिए, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन द कॉस्ट इज इनकर्ड, वेदर पेड इन कैश और ऑन एंड क्रेडिट। तो कैश हुआ हो चाहे ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, क्रेडिट पे करेंगे तब भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दिस इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल अबाउट योर मैचिंग कॉन्सेप्ट।